तो गाइस बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है कीरत चौहान और मेरे चैनल का नाम है पीसीएस चौहान। गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, पर्यावरण पारिस्थितिकी की घटना चक्र 2022 की बुक है हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 करेंगे जो कि वन एवं वन्य जीव पार्ट 1, मतलब ये अभी स्टार्ट हो रहा है। गाइस ये जो बुक है वो आपका पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए प्री एग्ज़ाम के लिए, राइट। और वन डे एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप इसे करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करिएगा, अगर आपको घटना चक्र की पीडीएफ चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और देखिए ये हमारा है विषय सूची जिसमें हम चैप्टर नंबर अभी पहुँच चुके हैं 6 पे, आगे का भी चैप्टर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। अब जो है ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। गाइस अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में अच्छा लगता है तो कमेंट करके जो बताएगा एंड लाइक तो ज़रूर करिएगा एंड शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, या जो भी घटना चक्र पढ़ना चाहता है जिसे समझ में नहीं आती अकेले वो मेरे साथ पढ़ सकता है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 वो है वन एवं वन्य जीव, राइट। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है वन और उनके प्रकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कितना बड़ा चैप्टर है तभी आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक है। ये तो देखिए सबसे पहले थ्योरी होती है, फिर यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर। देख लेते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं ताकि पता चल जाए चैप्टर कितना बड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। चलिए ख़त्म ही हो गए आके, तो 24 क्वेश्चन तक है जिसे हम कंप्लीट करेंगे, अभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तभी जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक वीडियो में होता है एक से ज़्यादा लगेगी वीडियो। तो यहाँ पे लिखा है वन एवं उनके प्रकार की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है भारत के विभिन्न, भारत में जो है ना विभिन्न प्रकार के क्या वन पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपात वन है, मैंग्रोव है और एक्सेट्रा, बहुत सारे वन हैं, ठीक है। तो अभी दो तीन लिखे हैं, बाकी सारे हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला इसमें लिखा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, राइट। तो गाइस एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है अर्ध सदाबहार वन, तो ये हो गया एक कैटेगरी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर जो वर्षा है ना बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 200 से 300 सेंटीमीटर तक होती है। और ये कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट, यानी जब भारत का आप नीचे वाला पोर्शन मानते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो पश्चिमी घाट का होता है। मानसून ऐसे आता है, ठीक है, अरब सागर से होता हुआ इस तरह से आता है। तो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जो कि है 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। वहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ इसने कहा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन मिल रहा है। अब इसने देखा जगह बताई, इसने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश हो गया या मिजोरम है वहाँ पे भी आपको यही मिलेगा। क्यों, कैसे, देखिए ऐसे करके आप जब भारत बनाते हैं ना इधर से ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये मानसून कैसे जाता है, मतलब हवाएं ऐसे जाती हैं, तो ये तो हो गया आपका पश्चिमी घाट जहाँ पर तो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, ये ऐसे करके इस तरफ जाता है, ठीक है। तो आपको यहीं पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा आपको, यहीं पे मिजोरम मिल जाएगा, नहीं सॉरी मेघालय, सॉरी यहाँ पे मिजोरम मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इधर इधर भी आपको अच्छे खासे ये वाले वन मिल जाएंगे, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, राइट, अरुणाचल और मिजोरम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने यही कहा कि एक कैटेगरी थी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, दूसरी कैटेगरी आ गई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अच्छा ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को ही हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा इसने लिखा है उत्तर पूर्वी भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो वर्षा हो रही है 200 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, राइट। यहाँ 200 से 300 हो रही है, यहाँ 200 के आसपास हो रही है, राइट। अब इसमें क्या है आपका, अब इतना समझ लेते हैं, पहले इसने कहा कहाँ कहाँ आपको ये जो है वन मिलेंगे। तो इसने कहा है एक तो पश्चिमी घाट पे मिल जाएगा, एक उत्तर पूर्वी भारत में मिल जाएगा, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वर्षा हो रही है 200 सेंटीमीटर के आसपास, राइट। अब जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं ना, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो, उसके टाइप्स कौन कौन से, कौन कौन से टाइप के होते हैं इसमें वन। एक होता है जैसे रोजवुड है, पाम है, ठीक है। अब इसमें दो ही लिखे हैं तो आप दो ही समझिए, ठीक है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही है, इस बुक में अभी फ़िलहाल दो हैं, तो ये समझिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की भी बात कर ले, तो इसने कहा ये जो है ये बायोम भूमध्य रेखा के निकट, मतलब कहाँ मिलेगा, भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण की अक्षांश पर। मतलब जब आप पृथ्वी बनाते हैं तो ये जो बीच वाली लाइन 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा के ऊपर जो होता है 10 डिग्री नॉर्थ इसने बोला, और भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि 10 डिग्री साउथ, तो इसके बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा बायोम है,
ठीक है, जो पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना है, 8% है। ठीक है, अच्छा, तो पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात या फिर प्राणी जात को अगर बात करें तो वो आपको कहाँ मिलेगा, 10 डिग्री नॉर्थ से साउथ की तरफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो है वर्षा पूरे वर्ष होती है, एक बात ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आर्द्रता अच्छी खासी होती है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं, यानी जिसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। अच्छा, विशिष्ट मतलब जिसका विशिष्ट स्तर की होती है, ठीक है, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है ये, और जिनका विशिष्ट स्तरण होता है। चलिए छोड़िए सब क्या लिखा है, अब लिखा है वनस्पति। वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि में वृक्षों की जो है 200 से अधिक प्रजातियां देखी जाती हैं। अगर आप बात करें जैव विविधता की तो यहाँ पे आपको बहुत मिलेगी, राइट। इसने कहा 1 हेक्टेयर भूमि में 200 अधिक प्रजातियां मिल जाएंगी आपको। अच्छा, प्रकाश पानी की होड़ में क्या होता है, वृक्षों और क्या पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गुंथ कर क्या है आपका फंदा जैसी बनाती है, और इन बेलों को क्या कठलता या फिर लियाना कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जंगल है, ये पेड़ हैं सारे, ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा घने हैं ना कि जो छोटे छोटे पौधे हैं ये क्या करते हैं, इनके ऊपर लिपटते हुए लिपटते लिपटते, अगर आपको सनलाइट चाहिए ठीक है, तो ये उनके ऊपर लिपटते हुए ऊपर चले जाती है, फंदा सा बना देते हैं, इसको लियाना या फिर हम कहते हैं कठलता, राइट, लता होती है ना, लताएं, ठीक है, वैसा कुछ, मतलब ये बेल बनाती है, ऊपर चली जाती है, प्रकाश क्योंकि नीचे तक नहीं आ पाता, इतने घने जंगल होते हैं कि प्रकाश नीचे तक नहीं आ पाता। अब इसे लेकर सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग, इसने कहा मतलब हमें जितनी भी कीटों की प्रजातियाँ पता है उसमें से 70 से 80% आपको यहीं मिलेंगी, ठीक है, तो 70 to 80% मिलेंगी आपको। फिर यहाँ क्या है, पशु जीवन का बाहुल्य है, मतलब बहुत सारे पशु हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाएंगी आपको, इसमें भूमि पर तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों प्रकार के आपको जीव मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आ गए, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पढ़ लिया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमने पढ़ लिया। चलो चौथे नंबर पर आ गया यहाँ पर विषुवतीय वन, विषुवतीय वन हो गया, तो इसमें लिखा है कि ये भी क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, मतलब आसपास है। ठीक है, वृक्ष किस टाइप के होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े पत्ते वाले होते हैं, सदाबहार पेड़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, सदाबहार का मतलब क्या है, जिनकी पत्तियाँ नहीं झड़ती, मतलब धीरे धीरे झड़ती हैं, उगती हैं, झड़ती हैं, उगती हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पतझड़ टाइप आ गया, वैसा नहीं आता, हमेशा आपको हरा भरा ही दिखेगा। तो यहाँ सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। ठीक है, लंबे मतलब लंबे चौड़े पत्ते वाले मिलेंगे, ऊंचे चौड़े पत्ते वाले पेड़ जो है आपकी वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। अब इसमें कहा वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर क्या होता है, समृद्ध अधिपादप पादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्वभर की लगभग 80% जो है जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या मिली, विषुवतीय वन लंबे चौड़े पत्ते वाले होते हैं, 80% जैव विविधता आपको यहीं मिलेगी, राइट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अब इसमें लिखा है उल्लेखनीय है कि हाँ, और वर्षा देख लीजिए 200 के आसपास या 200 से अधिक ही है। अच्छा, उल्लेखनीय है कि अमेजॉन वर्षा वन, अमेजॉन वन कहाँ आपको मिलेगा, आपको ये आपका जब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप में आपको यहाँ पूरा अमेजॉन वर्षा वन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अमेजॉन वर्षा वन अमेजोनिया या फिर आपका अमेजॉन वन के नाम से भी जाना जाता है, और ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है, मतलब नमी मिलेगी आपको जो दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में मिलेंगे आपको। ठीक है, इन्हें ही पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट बात हो गई, एक क्वेश्चन हो गया, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो वनस्पति है लगातार क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, ऑक्सीजन को मुक्त करती है ज़्यादातर, मतलब सबसे ज़्यादा, तो इसे पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक जो ऑक्सीजन है आपको अमेजन वर्षा वनों से ही मिलती है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अच्छा लगे, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक जो विविधता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा विविधता मिल रही है यहाँ पे आपको। अच्छा, इसने कहा, अब नेक्स्ट इसने कहा, देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध, अभी तक हम सदाबहार पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पर्णपाती वन, राइट, तो यही हुआ उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, राइट। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा था,
उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और उसके बाद हमने पढ़ा है विषुवतीय वन, राइट। अब हम जा रहे हैं पढ़ने क्या, हम पढ़ने जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है, फिफ्थ नंबर। अच्छा, इसने कहा कि ये जो है ना यहाँ पे वर्षा कितनी हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर। अभी तक जो हमने 3-4 जो भी पीछे पढ़े हैं उसमें आपने देखा ना 200 प्लस वर्षा हो रही थी, ठीक है। बट अब हम इसकी अगर बात करें पर्णपाती की, ठीक है, थोड़ी कम हो गई वर्षा, यानी कि 100 से 200 के बीच में हो गई। अच्छा, इसमें लिखा है सागौन प्रधान वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बांस, शीशम, चंदन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। व्यावसायिक रूप से जो है महत्वपूर्ण पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये आप समझ लीजिए, बांस कहाँ मिलता है, क्या आप उत्तर प्रदेश या मैं उत्तराखंड से भी हूँ, ठीक है, तो क्या हमने ये देखा है? हाँ, अगर आप तराई वाला एरिया देख लें तो बिल्कुल मैंने तो देखा है, ठीक है, बांस मेरे ही घर पे, राइट। दूसरा शीशम मेरे घर पे, चंदन, चंदन नहीं है, ठीक है, बाकी मतलब मैंने अपने आसपास देखे हैं, राइट। तो कहने की बात है कि ये एरिया हो सकता है वो वाला है जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि दायित्व है कि तो इसने लिखा है दायित्व है कि पूर्वी दक्कन पठार, ओके एक मिनट गाइस, ठीक है, पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन, जबकि हिमाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो पूर्व दक्कन पठार क्या पाए जाते हैं, शुष्क सदाबहार वन, ठीक है। दूसरा इसने लिखा है, देखिए क्वेश्चन में किसी की व्याख्या है, किसी क्वेश्चन की व्याख्या है इसलिए ऐसे लिखा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में इसने लिखा है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब लिखा है सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, सूखे पर्णपाती वन गुजरात में मिलेगा, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मानसूनी वन भी हैं। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे मानसूनी वन की, ठीक है। तो ये जो है भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाएंगे। मतलब आपने ये पूरा भारत बना दिया, ठीक है, ये हो गया आपका भारत, और यहीं पे आपका म्यांमार बन जाएगा, यहीं पे नीचे थाईलैंड बन जाएगा, और ये दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया बन जाएगा। मतलब इन यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मानसूनी वन मिलेंगे, यानी जो मानसून आता है ना भारत में, तो ये इन सब में बारिश करता है जहाँ जहाँ का मैंने नाम लिया, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि इन वनों में क्या है, उगने वाले वृक्षों की जो पत्तियाँ हैं कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन है, ठीक है। वर्ष में क्या होता है कि एक बार ये क्या करते हैं, पत्तियों को गिराते हैं, राइट, पतझड़, राइट। अब नेक्स्ट आता है उपोष्ण। अभी तक हम गाइस पढ़ रहे थे ना उष्ण, क्या है, अभी तक हम पढ़े थे उष्ण कटिबंधीय। अच्छा, ये उष्ण कटिबंधीय कहाँ का होता है, जो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा है उसके आसपास की जब हम बात करते हैं उष्ण कटिबंध। अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा उपोष्ण वाला, थोड़ा ठंडा, अभी से थोड़ा सा ठंडा, ठीक है। चलो, तो उपोष्ण कटिबंधीय वन उत्तर पश्चिमी खासी पहाड़ी, देखिए यहाँ पर ठंडा है इलाका, जैसे कश्मीर को छोड़कर इसने बोला, लेकिन हाँ ऊपर वाला एरिया अपना हिमालय वाला आ जाता है, ठंडा एरिया। तो खासी पहाड़ी मेघालय में आपको मिल जाएगी, नागालैंड हो गया, मणिपुर यहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, चीड़ मिलेगा आपको, चीड़ का वृक्ष मिलता है यहाँ पे, आज जब पहाड़ों पे जाएंगे आपको दिख जाएगा। परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में क्या होता है, बांज यानी कि ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलेंगे, यानी कि दो नाम याद रखिए, एक तो गया चीड़, और जहाँ आर्द्रता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ओक या बांज के वृक्ष मिल जाएंगे, इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो बुरुंशिया रोडोडेंड्रॉन, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, तो कितने याद रखने, चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन, तो ये रोडोडेंड्रोन जैसी झाड़ियाँ भी मिलेगी। इतनी चीज़ें याद रखिए अभी फिलहाल यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय वन में। अब इनका चंदन जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है, अतः ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ये किसी क्वेश्चन की व्याख्या है इसलिए बीच में घुसा दी है। अच्छा, इसमें लिखा है कि अतः यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ बांज यानी कि ओक, बुरुंश यानी कि रोडोडेंड्रोन जैसे जो है पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है, और चंदन ये भी किसी क्वेश्चन की व्याख्या है, मतलब इसने कहा कि वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा, चंदन नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है आपका रेड सेडर्स, रक्त चंदन की बात करते हैं। तो इसका जो दक्षिण भारत है ना, जब भारत में हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। क्या? आपका ये रेड सेंडर्स, राइट। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वाला एरिया जो है ना, वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका रक्त चंदन का वैज्ञानिक नाम है टेरोकार्पस सेंटेलिनस। ठीक है, चलो हो गया। ये भी कोई क्वेश्चन होगा, इसकी व्याख्या चल रही है। अच्छा, ये पेड़ जो है आंध्र प्रदेश के पालकोंडा शेषाचलम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है, कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। भारत इसका निर्यात किसे करता है? चाइना को, जापान को करता है। इसका प्रयोग आयुर्वेद सिद्धा दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में, पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस चलो, लिखा है, उल्लेखनीय है कि टेक्सस वृक्ष जो है हिमालय में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, मतलब टेक्सस वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है, लिस्टेड है। ठीक है, तो इससे टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त होती है जो कैंसर के लिए प्रभावी है। इसका प्रयोग, इसने लिखा है, पार्किंसन रोग और पीड़ी पीड़ी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आंसर है जो भी है। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचे हम। यहाँ पे मैंग्रोव वन हो गया, सदा पर्णी वन हो गया, पर्णपाती वन, तीनों ही पाए जाते हैं। कहाँ पे? आंध्रा, सॉरी आंध्रा नहीं, अंडमान निकोबार में। अच्छा, एक रिपोर्ट आई, क्या? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अच्छा, इसमें क्या हुआ, कहानी क्या थी कि इसने कहा कि जो देश में कुल मैंग्रोव है, तो उसका देश में कुल मैंग्रोव कवर कितना? 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। यहीं पे मिलेगा आपको, कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो कहानी इतनी याद रखिए कि इतने परसेंट आपको मैंग्रोव कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आच्छादित, यानी कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आपको चार राज्य में मिलेंगे। एक आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, 42%। याद रखिएगा, किस में सबसे ज़्यादा, उससे कम किस में, उससे कम किस में, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, राइट। फिर आता है गुजरात का नंबर, फिर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर यहाँ पे मिलेगा आंध्र प्रदेश में, राइट। अच्छा, तो इसने लिखा है मैंग्रोव वनावरण में सबसे, मतलब सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले, मतलब वृद्धि तेज़ी से, सबसे तेज़ी से हो रही है उड़ीसा में, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे लिखा है कर्नाटका। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर लिखा है मैंग्रोव, तो मैंग्रोव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैंग्रोव, इसने कहा कि उष्ण, यानी कि जहाँ गर्मी है, थोड़ी सी उष्ण से थोड़ा सा उपोष्ण पे आ जाओ, थोड़ा सा ठंडा, तो उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये आपको कहाँ मिलेगा? समुद्र तट के पास लवणीय जल में मिलता है ये। ठीक है, दो चीज़, समुद्र तट पे लवणीय जल में, उष्ण में भी मिल जाएगा, उपोष्ण कटिबंध में भी मिल जाएगा। तो ये वन क्या है? जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। मतलब ये तट है, ये समुद्र है, ये तट है, तो इसके बीच में मैंग्रोव है, राइट। अच्छा, तट को समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाता है। मतलब सपोज कि अगर ये हमने कह दिया कि भारत है, ठीक है, ये हमारा समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ से लहरें आती हैं, बीच में मैंग्रोव है, तो ये उस तेज लहरों से जो है तट को बचाता है, नहीं तो तट टूट फूट जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते, तो इसमें क्या है, ये तट रेखा को स्थिर रखता है। मतलब ये अगर तट रेखा टूटेगी फूटेगी तो बदल जाएगी, अगर मैंग्रोव है तो ये स्थिर रहेगी तट रेखा, ठीक है। और समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का क्या करता है? कार्य करता है, इसलिए इसे अति विशिष्ट पारिस्थितिक निकाय माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंग्रोव वन जो है आपका सुनामी चक्रवात, इनसे भी क्या करता है? सुरक्षा बेड़े की तरह काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और ये जो है अपनी सघन जड़ों के कारण जो है तूफान और ज्वार भाटा से नहीं उखड़ते। कि तूफान आ रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है, तो ये उखड़ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जड़ें इसकी सघन है, बहुत अंदर तक है, मतलब ये एक दूसरे में गोजमोज होती हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है उड़ीसा तट, उड़ीसा तट बंगाल की खाड़ी में उगने वाले, सॉरी उठने वाले जो चक्रवात हैं। देखिए, इसने कहा कि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आ रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? उड़ीसा का तट, राइट।
तो यहाँ पे जो चक्रवात है ना, वो बारंबारता उसकी, मतलब आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। मतलब ओडिशा तट पे चक्रवात ज़्यादा आता है। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करता है, यानी कि चक्रवात को रोकने का काम करता है। अच्छा, हाल के दिनों में क्या है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन का निर्वनीकरण हुआ, मतलब इनको उखाड़ के फेंक दिया गया या हटा दिया गया, जिन्हें चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है इसकी वजह से। राइट, ठीक है, क्योंकि चक्रवात से बचा रहा है, अब तुम इसे ही हटा दोगे तो ऑब्वियसली वृद्धि होगी। और इसमें लिखा है कि ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेश, ज्वारीय वन एक अलग टाइप हो गया, डेल्टा प्रदेश समुद्र के ज्वार वाले भागों में होता है। कहाँ कहाँ, डेल्टा प्रदेश और समुद्र का जो ज्वार वाला भाग होता है ना, वहाँ होता है। अच्छा, इन्हें जो है मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का जो सबसे सर्वाधिक क्षेत्र है वो आपका है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप मैप में देखिए, आपको वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिल जाएगा। तो ये वनों में जो है सुंदरी वृक्ष की विशेष, मतलब एक्चुअली सुंदरवन डेल्टा ही नाम इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे वृक्ष कौन से मिलते थे, सुंदरी वन। राइट, चलो आगे बढ़ते। उल्लेखनीय है कि भीतरकनिका, ये कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में। भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। ठीक है, तो भीतरकनिका गरान कहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये डेल्टा है, ब्राह्मणी का डेल्टा है, वैतरणी और महानदी डेल्टा यहाँ मिल जाएगा। ये जो है मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अब लिखा है ये क्या है, रामसर स्थल भी है। ठीक है, कब इसे घोषित किया गया, रामसर स्थल 2002 में। अच्छा, रामसर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये कहाँ पे, एक जगह है ईरान में। यहाँ पे क्या होता है ना, 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर एक अभिसमन होता है, यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ठीक है, तो इसने कहा अभिसमन को क्या करा गया, अपनाया गया। राइट, 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, तो डेट पूरी याद रखिएगा। जब यहाँ पे हुआ ना पहली बार अभिसमन हुआ, तब क्या होता है, उसी दिन से 2 फरवरी को क्या करा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दायित्व है कि गोवा का क्या, चौराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। चलो एक नई बात पता चली। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फिर हम लोग। तो 22 मिनट की वीडियो हो गई, 10 मिनट की और हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपको पसंद आए अभी तक, अगर कुछ अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो, इसमें लिखा निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसने कहा पूर्वी घाट, नहीं हमने नहीं पढ़ा, पश्चिमी घाट, हाँ सबसे ज़्यादा, और पश्चिमी घाट तो हमने पढ़ा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री है, उत्तर पूर्वी भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा सेम, कुछ नया नहीं था, हम पढ़ के आए हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं, विषुवतीय वन की अद्वितीय विशेषता बताओ भैया। ऊंचे घने वृक्षों का की विद्यमानता, जिन्हें किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। ठीक है, फिर है बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो कहानी है, आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा, वृक्ष ऊंचे होते हैं, घने होते हैं, प्रजातियां बहुत हैं, ये सब है, मतलब जैव विविधता अच्छी बात है, सारे सही है, मतलब 1 2 3 सारे पॉइंट सही है। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, ऊँचे चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार वितान का गठन करते हैं, वितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व के लगभग जो है 80% अगर हम जैव विविधता की बात करें तो यही मिल जाएगी। तो ये भी पूरा का पूरा क्या है, सेम, कुछ नया नहीं था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करो तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और क्या है, मिजोरम। ठीक है, तो इसने कहा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदापड़ी वन कहाँ मिलते हैं, तो अभी जो हमने देखा था वो हमने देखा था अरुणाचल और कहाँ, मिजोरम में मिलते हैं, यानी कि आंसर हो गया सी। तो इसने कहा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कितनी हो रही है, 200 से 300 सेंटीमीटर हो रही है। कहाँ पर मिल रही है, ज़्यादातर पश्चिमी घाट में मिल रही है। अब इसने कहा कि दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी आपको मिल जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अर्ध उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन मिले। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। राइट,
तो ये भी पूरा का पूरा हो गया, सेम कुछ भी नया नहीं पढ़ा अभी तक हमने। ठीक है, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आदि पतझड़ वन नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर्वतीय वन नहीं, हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, शीतोष्ण नहीं पड़ा, सदाबहार वन हमने कहा सबसे ज़्यादा यहाँ मिलती है। ठीक है, अब ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सबसे ज़्यादा प्रजाति यानी कि स्पीसीज मिलती हैं, यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप और उनकी संरचना में समता यानी कि एक जैसी समानता पाई जाती है, परंतु इनका पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मतलब अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। और ये बायोम जो है पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा होती है और तापमान रहता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको नई सी पढ़ने को मिल जाएगी, तो ये पैराग्राफ आप टिक कर लो कि ये पैराग्राफ मुझे पढ़ना है। पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता इसने कहाँ मिले? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलेगी। आप अगर सारे के सारे ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है पढ़ने जैसा, पूरा का पूरा वही है, सेम है, हटाओ। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो कहाँ मिलेगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बिल्कुल भी नहीं, शीतोष्ण बिल्कुल नहीं, रेगिस्तानी बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर बहुत आसान था, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, अब इसमें जो हम देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको, तो वैसे ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन हम ये पूरा पैराग्राफ अभी पढ़ के आए हुए हैं। आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है चैप्टर में, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में क्या है? सागौन यानी कि टीक मिलेगा आपको। तो ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो रही है। सागौन प्रधान वृक्ष मिल जाएंगे आपको, लाइक बांस है, शीशम, चंदन, ये सारे व्यावसायिक रूप से मिलने वाली प्रजातियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब भारत के मतलब अब इसमें एक और बात कर लें, सेम है, यहाँ लिख दीजिएगा सेम, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र क्या है सर्वाधिक है? किस राज्य में इसने कहा? तो ये कुछ नई बात है, अब नई बात भी नहीं है, बात ये है कि क्वेश्चन आया है एमपी पीसीएस में, तो आंसर भी होगा एमपी, राइट। तो चलो आगे बढ़ते, तो इसमें क्या होता है ना, एमपी की बात हो रही है ना, एमपी पीसीएस में आएगा, एमपी की बात उत्तर प्रदेश में तो नहीं आएगी ना। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 का क्वेश्चन है, 2019 की बात कर रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दोबारा ये आपके राज्य के लिए पूछ सकता है, ये एमपी के लिए शायद मुश्किल से ही पूछे। तो इसने कहा एमपी में सागौन का सर्वाधिक वन क्षेत्र कितना लिखा है यहाँ पे, 29.54, इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, 2019 का डेटा है। आगे बढ़ जाते हैं, अब भारत में मैंग्रोव वनस्पति यानी कि ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? तो भैया ज्वारीय तो ऑब्वियसली तट पे ही पाई जाएगी ना, तो सबसे ज़्यादा हमने अभी पढ़ा था सुंदरवन। तो इसने कहा ज्वारीय वन डेल्टा जो है प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। कौन से वृक्ष मिलते हैं सुंदरी? सेम है, कुछ नहीं नया है। आगे बढ़ते हैं, तो भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत आसान सिंपल आंसर रिपीट हो गया। अब इसमें लिखा है वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। ठीक है, इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण मैंग्रोव का विनाश आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और आईएएस का ही हो सकता है क्वेश्चन अजीब सा, अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। फिर मेरा अलवण जल पोटरी काएँ त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है, ओ माय गॉड, सुंदरवन, राइट। चलिए व्याख्या इसकी देखिए, तो इसमें कुछ व्याख्या नहीं है। इसने लिखा है कि यहाँ के मैंग्रोव क्षेत्रों के संरक्षण हेतु प्रयास किया जा रहा है। कहानी बहुत अजीब थी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पे है गाइस? गोवा में हमने पढ़ा, तो गोवा में चौराव द्वीप, राइट। चलो, भारत ही निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन सदापड़ी वन पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं? तो अभी हमने ये भी पढ़ा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, राइट। अब इसने कहा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करी, तो इसने कहा कि देश में कुल मैंग्रोव कवर
इतने वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 0.15% यहीं पे है। अच्छा, इसने कहा कि 4 मैंग्रोव आच्छादित राज्य। सर तो गाइस इसको आप 2022 की रिपोर्ट देखिएगा, फिलहाल 2021 में है वेस्ट बंगाल, फिर है गुजरात, अंडमान निकोबार और फिर है आपका आंध्र प्रदेश। हालांकि सेम ही रहता है, कितना ही बढ़ता है कुछ नहीं बढ़ता, यही होगा 2022 में भी। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा है, तो अमेजोन हमने पढ़ा था कहाँ पर है, साउथ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा। अच्छा, विश्व भारत मतलब भारत नहीं, पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ भी एकदम नया सेम है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा या अभी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। ओके, तो पर्णपाती की बात कर रहे हैं, तो आंसर है आपका एशिया में, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय ये थोड़ा सा नई सी बात हो गई। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये कहाँ है, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, वाले पर्णपाती वन। और इसमें लिखा है कि मतलब पर्णपाती वन का मतलब हो गया कि वर्ष में एक बार, एटलीस्ट एक बार तो ये अपनी सारी पत्तियाँ गिराएगा ही गिराएगा। तो ये हो गई सेम बात, इसमें भी कुछ नया नहीं था। अच्छा, समाचारों में कभी कभी, अब समाचार की बात हो रही तो ये 2016 के आसपास के समाचार की बात करेगा, ना कि 2023 के। ठीक है, तो समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला क्या, यहाँ पर लिखा है रेड सैंडर्स, ठीक है, के संदर्भ में बात करिए। तो ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली क्या है, एक वृक्ष प्रजाति है। ठीक है, दूसरे लिखा है दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, नहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं, उष्णकटिबंधीय कहाँ गया, शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त चंदन। अच्छा, वैज्ञानिक नाम इसका टेरोकार्पस सेंटिलिनस। ओके, तो ये वृक्ष आंध्र प्रदेश में के पालकोंडा और क्या है, शेषाचलम पर्वतीय क्षेत्र में मिल जाएगा आपको। ठीक है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्र में से कौन सा सही नहीं है, बता रहा है ये। तो इसके बाद साउथ जी दक्षिण पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो ये आर्द्र वन है। ठीक है, सही बात है। फिर तराई दुआर जो है चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, बिल्कुल ठीक। कच्छ का रण आपका घास के प्रदेश के लिए, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन के लिए है, गलत, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो पूर्वी दक्कन पठार है ना आर्द्र वन के लिए नहीं है, ये शुष्क सदाबहार वन के लिए, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है सूची वन टू, मिला दो इसको और आंसर बता दो फिर। ठीक है, अब ये कच्छ का रण ये वो तो हम जानते ही हैं कि नहीं जानते हैं। तो कच्छ वनस्पति की अगर हम बात देखिए, उष्णकटिबंधीय वन की बात करें जहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती है, तो वो आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मिलती है आपको पश्चिमी घाट में। और हम जानते हैं पश्चिमी घाट यानी कि जब हम नीचे की बात करते हैं ना यहाँ, तो यहाँ पे है आपका केरल, तमिलनाडु, यहीं पे है आपकी साइलेंट वैली, राइट। तो आंसर बहुत आसान है, साइलेंट वैली। फिर शंकु वृक्ष, जब आप जाते हैं ना पहाड़ों पे जाते हैं तो वृक्ष आपको इस टाइप के मिलते हैं, तो पहाड़ों पे यहाँ पे सिर्फ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। फिर हम बात करें अगर कच्छ वनस्पति की, तो वो भी बहुत सिंपल सा आंसर है यहाँ पे। तो अच्छा, कच्छ की बात आप छोड़िए, पतझड़ की बात करें तो पतझड़ ऑब्वियसली राजस्थान से रिलेटेड है, राइट। और बचा फिर कच्छ वनस्पति जो सुंदरबन से, चलो सब आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है सुंदरवन वेस्ट बंगाल की कच्छ वनस्पति है, पश्चिमी हिमालय उप अल्पाइन शंकु वृक्ष वन नेपाल, भारत, पाकिस्तान में मिल जाएंगे आपको। भारत में ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित जो क्षेत्र है यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मिल जाएंगे। साइलेंट वैली की बात करें, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन केरल के जो है आपका पलक्कड़ जिले में मिल जाएगा आपका। अगर सूखे पर्णपाती वन की बात करें तो गुजरात में भी मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा और मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। 2004 की बात करते हैं, सुनामी आई थी। अच्छा, क्वेश्चन कब का है, 2011 का, ठीक है। तो 2004 की जो सुनामी ने लोगों को ये महसूस करा दिया कि गरान यानी कि मैंग्रोव जो है तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करता है, और गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। इसने कहा कि कैसे ये मैंग्रोव जो है आपका तट बचाने का काम करता है। तो भैया आंसर में सब पढ़ना नहीं, सब नहीं पढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। तो इसने कहा गरान के जो वृक्ष है ना, अपनी सघन जड़ों के कारण क्या है, तूफान या फिर ज्वार भाटा से उखड़ते नहीं है, ये क्या काम करते हैं, इसको रोकने का काम करते हैं, राइट। तो
तो ये क्या है, जो तटीय आपदा होती है ना उसके विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। बस इतनी सी बात समझिए, आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सब सेम है। अब इसे लिखा है एक कथन, लिखा है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात लिखी है इसने। महानदी डेल्टा क्षेत्र में क्या है, भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। चलिए बात तो इसकी दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसने कहा कि ये दोनों बात सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। देखिए क्या कहा इसने, कहा बंगाल की खाड़ी में जो उड़ीसा तट है ना भैया, वहाँ पर चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बाकी राज्यों से अधिक आते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि जो मैंग्रोव वन है वो चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करता है। और अभी क्या हुआ है हाल ही में, अभी क्या हाल ही में 2010 की बात, मतलब ये हुआ कि जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव वनों का क्या होता है, निर्वनीकरण होता है, यानी उखाड़ फेंका गया। अच्छा, जिसकी वजह से जो चक्रवात आने की या तट तक आने की जो वो है क्या बोलते हैं, मतलब चक्रवातों से जो तटवट है ना उनका नुकसान अधिक होगा। अगर भीतरकनिका की भी बात कर ले तो इसमें भीतरकनिका गरान यानी मैंग्रोव यहाँ पे जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताइए। तो ये क्या है, वंशधारा और स्वर्णरेखा नदी के डेल्टा, ये दोनों नदियाँ तो हमने नहीं पढ़ी, वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। तो इसने कहा कि बात तो हमने दोनों ही नहीं पढ़ी, तो दोनों ही गलत है, ठीक है, ना तो एक ना तो दो सही है, ठीक है। तो भीतर कनिका जो मैंग्रोव है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी वैतरणी महानदी डेल्टा पे मिल जाएगा, और ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है, ये जो है रामसर स्थल भी है, 2002 में बना घोषित किया गया। अब लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, चलिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, चलो सही लिखा होगा। टेक्सास वृक्ष जो है रेड डेटा बुक में भी है, बिल्कुल सही बात लिखी। अब ये क्या है, टैक्सोल नामक औषधि की प्राप्ति इसी से हो रही है, बिल्कुल, पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी, बाकी तो सभी कुछ सही है, तीनों ही सही है, 1 2 3, इसमें कुछ नया नहीं है, आंसर ये सब सेम है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं, बिल्कुल सही बात लिखे। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। समुद्र द्वारा क्या है, सीमा का उल्लंघन, राइट, के विरुद्ध जो है प्राचीर का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, दोनों ही बात सही है, आंसर हो गया ए, यानी कि दोनों बात सही है, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, बिल्कुल सही है। मैंग्रोव उष्ण, गाइस ये भी बिल्कुल सेम है, मैं रीड कर रही हूँ बस। मैंग्रोव उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम भी करते हैं, और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिक निकाय माना जाता है। तो बात हो गई खत्म। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखा आपने? तो हिमालय में देखो हमने कौन सा देखा है, गाइस 1 और 2 तो देखा है, ठीक है, ये ओक भी देखा है, रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरुंश भी देखा है। तो ये हो गया आंसर 1, ठीक है, आसान सा था ये तो बिल्कुल ही। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है आपका उत्तर पश्चिमी यानी कि कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो खासी पहाड़ी हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर यहाँ मिल जाएगा, चीड़ इनमें मिल जाएगा, चीड़ का पेड़ मिल जाएगा, और अधिक आर्द्रता वाली जगह पे आपको ओक यानी कि बांज मिल जाएगा, चौड़ी पत्ती के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बुरुंश यानी कि रोडोडेंड्रॉन मिल जाएगा, चंदन नहीं मिलेगा, ये चंदन हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, चंदन क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलेगा, राइट। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पार्ट 1 जो है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग की बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं फिर से कह रही हूँ वीडियो को लाइक किया करिए, और अगर आप नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।